तो कैसे हैं मित्रों, आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। इससे पिछले एपिसोड में आप तातो पानी देखे हैं, लेकिन उसमें हॉट स्प्रिंग हम नहीं दिखा सके थे आप लोग को, चूँकि एपिसोड काफ़ी लंबा हो गया था। तो अभी अपने जो होटल है वहाँ से हम निकल के हॉट स्प्रिंग जा रहे हैं, वहाँ पे स्नान करेंगे और दिखलाएंगे लोग वहाँ कैसे आते हैं और स्नान करते हैं, वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं आप लोगों को बताते हैं। तातो पानी का हॉट स्प्रिंग यहाँ माना जाता है, जो लोग भी इसमें स्नान करते हैं उनका जितना भी शारीरिक स्किन से जुड़ा हुआ बीमारी होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये अभी हम लोग चलते हैं तातो पानी का हॉट स्प्रिंग, देखिए आप लोग कैसा लगता है आप लोगों को। तो दोस्तों, ये जो तातो पानी है बेहद ठंड जगह है, उसके बावजूद भी यहाँ ये हॉट स्प्रिंग है और यहाँ पे दो है, दो कुंड है जिसमें लोग स्नान करते हैं, महिला और पुरुष दोनों एक ही कुंड में स्नान करते हैं, दोनों कुंड में महिला और पुरुष स्नान करते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। और मतलब यहाँ पे जैसे ही लोग आते हैं तो आप सामने देख रहे हैं ये कुंड के बगल में एक नल बना हुआ है, उसमें भी गर्म पानी आता है, उसमें थोड़ा सा कम गर्म रहता है पानी,
तो पहले लोग उसमें स्नान करते हैं, चूंकि ये कुंड में काफ़ी गर्म पानी रहता है। भाई लोग आप अगर बिना सोचे समझे अंदर चले जाएंगे तो कई बार लगेगा आपको कि एकदम छाला पड़ गया आपके पैर हाथ में, ऐसा फील होता है। तो काफ़ी गर्म होता है, तो पहले लोग नल में स्नान करते हैं, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी, थोड़ा कम गर्म पानी होता है, और उसके बाद फिर आराम से लोग जो है सो इस कुंड के अंदर धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। पहले पैर डालते हैं, हाथ डालते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपने शरीर पर पानी मारते हैं और फिर अंदर जाते हैं। तो और जब आप पूरे तरीके से अंदर इसमें बैठ जाएंगे तो फिर लगेगा जितना भी आपका थकावट है वो दूर हो जाएगा और काफ़ी आप रिलैक्स फील करेंगे। तो दोस्तों ये जो हॉट स्प्रिंग कैंपस है, मतलब ये गर्म कुंड वाला जो एक कैंपस है, यहाँ पे आपको कैंटीन भी है जहाँ पे एकदम उचित दाम पे आपको ना नाश्ता वगैरह भी मिलता है, कोल्ड ड्रिंक्स मिलता है, बियर मिलता है, जो भी मतलब आप जो चाहें इस कैंपस में वो सारा चीज़ उपलब्ध है। और आप जो है सो आराम से यहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी है। तो यहाँ के लोगों का मेंटालिटी जो है वो काफ़ी मतलब अपर लेवल का है, यहाँ पे कोई माइंड नहीं करता है। जो खाने पीने वाले लोग हैं अपना वहीं पे बगल में बैठ के उसी कैंपस में शराब भी पी रहे हैं। दूसरी नंबर बात है भाई कि यहाँ पे मतलब एकदम इंडियन तरीके का, मतलब इंडिया में जैसे हम लोग खाते हैं, तो ये पहाड़ी इलाका में पहला बार हम देखे हैं, बिल्कुल समोसा हमारे शहर के जैसे यहाँ पर मिलता है, और मतलब काफ़ी टेस्टी, हम भी टेस्ट किए तो काफ़ी अच्छा है भाई यहाँ का समोसा भी। तो आप लोग जब कभी आएँ तो यहाँ का जो ये समोसा है ये भी आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। और वो पीने खाने की बात है, वो शराब वगैरह वगैरह तो वो जिनको पसंद है वो अपना लेते हैं, वहाँ किसी तरह की बाध्यता नहीं है, ना ही कोई रोक टोक है। और भाई अब निकलते हैं हॉट स्प्रिंग से बाहर। एक बात चलते चलते आपको बता दें कि यहाँ जो है सो चार्ज जो इंडियन सिटीजन हैं उनको 100 रुपया नेपाली लगता है, मतलब इंडिया के हिसाब से 30 रुपया, और नेपाल के जो नागरिक हैं उनको 50 रुपया लगता है। तो उनको नेपाली नागरिक जो है उनको लगता है
₹50 और इंडियन नागरिक को ₹100। तो इंडिया के लोगों को इंडिया के हिसाब से ₹60 और नेपाली लोगों को ₹30 चार्ज है यहाँ। अब हम निकल गए हैं यहाँ से बाहर, अब चलते हैं अपने होटल और वहाँ से रेडी होकर अब निकलना है हम लोगों को आगे। स्वस्तिक खा रही है कितना सारा, देखिए आप लोग क्या क्या खा रही है। नेपाली थाली है ये, क्या क्या है बताओ। चिकन है और ये लीफी वेजिटेबल है, इसके साथ भटमास बना हुआ है और मटर सीमी और आलू का वो करी है ना वो सब्जी, वो है और ये कांबरा है सब। और तो ये बता दी क्या क्या है, आप लोग समझ गए ना क्या क्या है भाई। ये लोग यही खाती है और ये शर्मा रही है, शर्मा नहीं खा तो देखते कैसे खाती है। जब तक तुम खाओगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। हाँ देखिए शुरू की है, राम भाई साहब अपने बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं और ये बाइक स्टार्ट हो गया राम भाई साहब, तो इनका बाइक स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा रेडी है हमारा, चूंकि एक ही बार में हो जाता है तो ये अपना रेडी है फुल। और ये देखिए ये बस क्या बोलो क्या कर रही हो, ये ना धूप में बैठी हुई इतनी गर्मी में, तो गर्मी है इधर तो लाइक 100 डिग्री है, तो ये इधर गर्मी में बैठी हुई है बाहर। और राम भाई साहब जल्दी से उठिए, ये जाते जाते एक बार आप फिर से तातो पानी का ये खूबसूरत सा नज़ारा देख लीजिए कितना खूबसूरत है। तो हम निकलने वाले हैं और बस चलेंगे। और ये आंटी दादी दादी नहीं है, दादी कहीं धूप में बैठी होंगी। दादी देखिए धूप में बाहर पीछे बैठी हुई घर में, तो उनसे ही मिलते हैं। और ये देखिए ये भाई रोटी बना रहा है, कितना प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा रोटी, यहाँ पे रोटी लोग कम खाते हैं। दादी जा रहे हैं आएंगे फिर, दादी नहीं समझ रही है हमारा भाषा। हाँ ऐसे बने दादी करे ऐसे बैठो मतलब यहीं पे रहिए। तो ये तो निकलते हैं भाई यहाँ से। भाई साहब का बाइक स्टार्ट हो गया है, अब हमारी बारी है फाइनली, अब हम लोग चलते हैं भाई। और सभी लोगों को बहुत सारा प्यार मिला, ये अपनी बाइक है और अब निकलते हैं हम लोग पोखरा के लिए। अंकल आंटी इधर बैठे हो, तो भाई जो निकलते हैं हम लोग यहाँ से पोखरा की ओर, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और क्या कुछ दिखता है इस रास्ते में। क्या है कि भाई जाने के समय भी हम लोग यहीं रुके थे तातो पानी में एक रात, और आने के समय भी हम लोग रुके थे, वो अपना परिवार सा हो गया भाई एकदम, मतलब सब लोग इतना हम लोग घुल मिल गया था कि निकलने के समय लग रहा था कि अपने परिवार से अलग हो रहे हैं। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं तातो पानी से और अब बढ़ रहे हैं पोखरा की ओर। और यहाँ से थोड़ा आगे एक बड़ा प्यारा सा झरना है, वो जानकारी मिली है, हम लोग आने के समय नहीं देख पाए थे क्योंकि मेन रोड से थोड़ा सा ऊपर है वो,
तो अभी कोशिश करेंगे कि हम लोग के पास वक्त है अभी, तो वो झरना भी जो वो वाटरफॉल है वो आप लोग को दिखलाएंगे। तो अब चलते हैं आगे और आप लोग बने रहिए, देखिए क्या क्या दिखने वाला है इस सफ़र में। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? स्कूल? हजूर? कॉलेज? हजूर? कॉलेज जा रहे हैं आप लोग? ये स्कूल? ये लोग कॉलेज से घर जा रहे हैं, देखिए ये सभी लोग कॉलेज से घर जा रहे हैं। ये तातो पानी है, अभी थोड़े आगे बढ़े तो ये लोग मिले। तो कैसा हुआ है? जी कैसा हुआ है ट्रिप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग तातो पानी में रुके थे, पीछे थोड़ा पीछे, तो सुबह से यही थे। वो गर्म वाले पानी में नहाए हैं, फिर अब निकल रहे हैं हम लोग पोखरा होते हुए। हाँ पोखरा, आज रात को पोखरा रुकेंगे। ठीक, थैंक यू भाई। और हम लोग क्या बोलते हैं ना भोजपुरी में, का हलवा हो का हलवा तो उधर से लोग बोलते हैं ठीक बा। तो आप लोग देख लिए फिर। एंटी सामान लेके जा रही है। हम लोग आगे हैं अभी, वही आश्रम उस तरफ है, हम लोग वहाँ रुके थे। उस आश्रम में देख सकते झंडा दिख रहा है, तो वहीं पर हम लोग रुके थे। और यहाँ पर भी एक गर्म कुंड है, यहाँ भी लोग स्नान करते हैं। ये सभी लोग ना वो गर्म कुंड में स्नान करके वापस आ रहे हैं। ये वो आश्रम वाला जगह है, लेकिन हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं, 11 बज गया था तो पानी से निकलने में, तो अभी नहीं जा पाएंगे आश्रम। लेकिन देख रहे हो भाई कितना खतरनाक रास्ता है, ये ऊपर देखिए, और ये नीचे बिल्कुल गुफा जैसा है, इसके नीचे से जाना है, सीधे ऊपर पहाड़ है।
तो भाई इस झरने का नाम मैगदी है, मैगदी मैगदी है इस जगह का नाम। तो मैगदी में है ये प्यारा सा झरना। जब हम नीचे आए तो यहाँ बोर्ड को ऊपर है तो उसमें पता चला मैगदी है इस जगह का नाम। तो अब चलते हैं भाई हम लोग पोखरा की ओर। दोस्तों हम किसी एपिसोड में कुछ भी कट पेस्ट नहीं करते हैं, जो कुछ भी हम मैक्सिमम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए एपिसोड आप लोग को थोड़ा सा लंबा मिल रहा है। तो आप लोगों को अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए हम लेके आने वाले हैं, तो आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।